वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट दो या तीन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 12 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे हमें यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ रूल फॉलो करना है, मतलब तीन फॉर्मूलाज है यहाँ पे, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करके हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। देखिए यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है, उसका लिमिट है ए टू बी। तो कर्व का नाम क्या है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। एकदम सिंपल है, सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फार्मूला मालूम होना चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेपेजॉइडल रूल। तो फार्मूला क्या है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, आपका वाई होता है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब आपका क्या, वाई होता है, इज इक्वल टू एच बाय टू इन द ब्रैकेट वाई जीरो प्लस वाई एन ब्रैकेट कम्प्लीट प्लस टू इन द ब्रैकेट वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री देन वाई एन माइनस वन। कब कहाँ तक उसे एक्सटेंड करना है, वाई एन माइनस वन। तो एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल होते हैं, कितने इंटरवल यहाँ पे हमें दिए वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंटरवल लेंगे। एच, एच मतलब क्या, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। देखिए यहाँ पे आपका जो लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, तो यहाँ पे एच मतलब क्या है, जो आपका इंटरवल है उसका इंडिविजुअल पार्ट कितना होगा, और एच मतलब उसका इंडिविजुअल लेंथ कितना होगा। तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सिंपली यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट टू टू सेवन डी एक्स अपॉन एक्स यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल टेकिंग एन इज इक्वल टू फाइव। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, इंटीग्रेशन लिमिट टू टू सेवन वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इंटू वन क्या होगा आपका, डी एक्स। तो डी एक्स को साइड में रख दिया, डी एक्स इंटू वन क्या होगा, डी एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। आपका एन का वैल्यू है, एन इज इक्वल टू कितने इंटरवल है, फाइव इंटरवल है, एन इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एच का वैल्यू, मतलब जो इंटरवल है उसमें उस इंडिविजुअल पार्ट कितना होगा, मतलब जो इंटरवल है एन इज इक्वल टू फाइव वहाँ पे हर एक पार्ट कितना होगा। तो एच का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। एच इज इक्वल टू बी का वैल्यू, देखिए बी मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए टू बी इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी, बी मतलब आपका क्या, अपर लिमिट, बी इज इक्वल टू सेवन, ए इज इक्वल टू लोअर लिमिट टू। तो बी माइनस ए सेवन माइनस टू अपॉन एन, एन का वैल्यू फाइव। तो आपका एच का वैल्यू आ रहा है सेवन माइनस टू डिवाइड बाय फाइव, सेवन माइनस टू फाइव बाय फाइव आपका वन। आपका h का वैल्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है। ध्यान में देखिए आपका h का वैल्यू कितना है, वन है, मतलब आपके जो इंटरवल है उसमें से हर एक पार्ट का वैल्यू कितना है, h इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, एक टेबल में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो एक्स एक्स देन वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू मतलब क्या, फंक्शन। तो वाई का वैल्यू कितना है, वन अपॉन एक्स, वाई नहीं तो फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने इंटरवल दिए, उन्हें फाइव इंटरवल दिए हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, टू से स्टार्ट होंगे। देखिए तो टू, तो टू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टू, बट टू से हमें सेवन तक जाना है। तो आगे का इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो आपका एच का वैल्यू है वो इंटरवल में ऐड करेंगे, टू प्लस वन थ्री, देन थ्री प्लस वन फोर, देन फोर प्लस वन
फाइव प्लस वन सिक्स, देन सिक्स प्लस वन सेवन, हो गया आपका इंटरवल 2 से 7 तक आपका इंटरवल है। और ये हर एक पार्ट कितना आपका एक बैच 1 है 1 2 3, मतलब 1 का गैप है हर एक बीच में, देखिए 1। सिंपली क्या किया आपका लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे लिखा, देन जो एच का वैल्यू यहाँ पे ऐड किया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ऐसे ऐड करते चला गया तो आपका लिमिट आ गया 2 to 7। देन वाई का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन x, एक्स का वैल्यू कितना है 2, देन यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, तो 1/2, यहाँ पे मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, 1/2 मतलब कितना आएगा 0.5, x के जगह कितना आएगा 2, देन x का वैल्यू कितना है 3, 1/3, 0.333, 3 डिजिट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देन x के जगह कितना आएगा 4, 1/4, 0.25, देन 5 x के जगह पे 5, 1/5, 0.2, देन x के जगह पे 6, 1/6, 0.166, देन x के जगह पे 7, 1/7, 0.142, 0.142। देखिए x का वैल्यू मतलब लिमिट 2 3 4 5 6 7, देन फंक्शन ऑफ x आपको कितना दिया है 1 अपॉन x, फंक्शन ऑफ x मतलब क्या हुआ है, तो x के जगह पे वैल्यू पुटअप किया तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया। तो बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, तो सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाय टू इन द ब्रैकेट वाई ज़ीरो प्लस वाई एन देन प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, यहाँ पे आएगा वाई एन माइनस वन इन ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा वैल्यू पुटअप करेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है आपका 1/x, एफ ऑफ एक्स ही मतलब क्या वाई, वाई मतलब क्या आपका 1/x, तो लिमिट आपका क्या है यहाँ पे ए टू बी मतलब 2 to 7, 2 to 7 आपका लिमिट है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या 1 अपॉन x डी एक्स, देन एच बाय टू, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला बना लेंगे, तो वाई ज़ीरो प्लस देखिए आपका n का वैल्यू, आपका n का वैल्यू कितना है 5, तो क्या होगा वाई ज़ीरो टू वाई फाइव, देन प्लस वाई वन वाई टू वाई थ्री, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कहाँ तक एक्सटेंड करना है n माइनस वन, मतलब 5 माइनस 1 कितना होगा वाई फोर, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 1 वाई फोर, तो यहाँ तक हमें जाना है, तो ध्यान से देखिए सब वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो आपका वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे सबसे पहले बोलेंगे वाई ज़ीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव, तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट अप करेंगे एच बाय टू, आपका एच का वैल्यू कितना है 1 1/2 इन द ब्रैकेट y0 प्लस वाई फाइव, वाई ज़ीरो का वैल्यू कितना है 0.5 और वाई ज़ीरो का वैल्यू कितना है 0.5, देन वाई फाइव का वैल्यू 0.142 प्लस 2, देन वाई वन का वैल्यू 0.333 प्लस वाई टू का वैल्यू 0.25, देन वाई थ्री का वैल्यू 0.2, देन वाई फोर का वैल्यू 0.166, ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, तो 0.5 प्लस 0.142 प्लस इन द टू इन द ब्रैकेट 0.333 प्लस 0.25
प्लस 0.2 प्लस 0.166 तो कितना आ रहा है 2.54, 2.54 देन इंटू 1/2 तो आपका आंसर आ रहा है 1.27, आपका आंसर आ रहा है 1.27 हो गया आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, आईसी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 6 मार्क्स के लिए, 4 to 6 मार्क्स के लिए, तो एकदम सिंपल है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन में इस सब में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।